हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में आज हम देखने वाले थ्योरम 1.5, जिसमें बताया गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 ही फैक्टर्स आते हैं और कोई फैक्टर नहीं आता। इसी को हमें देखना है। देखिए, हमने पहले स्टेटमेंट लिखा है थ्योरम का, उसको मैं रिपीट करता हूँ। एनी टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू व्हिच इन लोएस्ट टर्म हैज डिनोमिनेटर हैविंग प्राइम फैक्टराइजेशन in 2 to the power m and 5 to the power n for some non-negative integers m and n। इसका मतलब समझते हैं कि अगर हम कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ले और उसका हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के बाद लोएस्ट टर्म कन्वर्ट करें। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हमारा पहला एग्जांपल आ रहा है, 1.24 लिया और इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कितना आएगा, 1.24 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1.24 डेसिमल हट जाएगा, ये अपॉन में 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 1.24 को डेसिमल में कन्वर्ट किया और नीचे 100 आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको 4 से ये ऊपर नीचे डिवाइड भी हो जाएगा तो ये 30 बन जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब आप देखिए, इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करें तो यहाँ क्या है, केवल 5 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल जो ले रहे हैं उसमें हमें नंबर कोई और ले लेते हैं, जैसे हमने मान लीजिए 16.75 दिया नंबर, तो इसका जब हम डेसिमल बनाएंगे तो 1675 और कितना आएगा, 100 आएगा। अब इसको हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो ये 5 थ्री या 15 और 16, 5 थ्री या 15 और 5 25 और यहाँ फिर से 5 थ्री कर रहे हैं, 5 थ्री या 30, 5 थ्री तो ये बचा हुआ 67.1422। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देते हैं, अगर हमने मान लिया थर्ड एग्जाम्पल 0.685 तो ये हमारा जो है कन्वर्ट हो गया 685/1000। इसको 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5 3 जा 5 7 जा। अब हम 200 को फैक्टराइज करेंगे तो 137/200 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 आएगा 3 बार 5 आएगा 2। इन तीन केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, कभी तो 5 बच रहा है केवल, कभी 2 बच रहा है, कभी दोनों ही बच रहे हैं, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं बच रहा है और बचना भी नहीं चाहिए। अब ये कैसे होगा कि बचना नहीं चाहिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे पी अपॉन क्यू फॉर्म में तो सबसे पहले उसमें नीचे डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 मतलब 10 की पावर के फैक्टर्स आएंगे। अब 10 बनता है दो नंबर पर 2 और 5, तो जब ऊपर नीचे कुछ भी अगर कन्वर्ट होगा तो फैक्टर कौन से करेंगे, 2 और 5 के। इसका मतलब जो बचेगा वो भी किस में बचेगा, 2 और 5 में। इस तरह से हमारी थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। तो हम इसी को हमें डेमोनेट करना है। ये तो आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए पहले और ये स्टेटमेंट भी नोट कर लीजिए, इसके बाद में थोड़ा सा और इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट डाउन करिए प्लीज। अब हम देखते हैं कि इसमें और किस तरह के नंबर आते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक नंबर लिया 31/75। अब इसका मतलब क्या है, 31/75 के फैक्टर आएंगे 5 × 5 × 3। मैंने कहा कि फॉर्मेट में 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर डाल दिया। ऐसा करने से ये आपका देखिए, अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन देखें डेसिमल्स में तो हमारा आएगा 31 आएगा पहले, इसको हम 75 से डिवाइड करेंगे तो पहले 0 आ जाएगा, पॉइंट रख के 4 जाएगा यहाँ पे, यहाँ 300 आएगा, यहाँ 10 आएगा, फिर बनता जाएगा यहाँ आएगा 75, 25, फिर 0 बढ़ा देंगे तो यहाँ आएगा 3 जा 225, यहाँ आएगा 25, फिर 3 जाएगा। इस तरह से नंबर आएगा, रिपीट होने लगेगा, तो इसको यहीं पर लीव कर देंगे। तो हमारा हमने देखा कि ये हमारा आया 0.41 और 3 आएगा रिपीटेशन में, ये बन गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये थ्योरम इस तरह से आपकी प्रूव हो गई कि अगर यहाँ पर कोई भी और नंबर आ रहा है 5 और 2 के अलावा तो पक्का नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और अगर कोई दिक्कत आ रही है फिर भी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले फ्यूचर अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।